ये किसान भाइयों, क्या हाल चाल है? आशा करते हैं सब आप ठीक होंगे। तो बेसिकली आज मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यह है कि मेरे पास काफ़ी मैसेज आए थे कि आप जाल के बारे में बताएं कि कौन सी फसल पे कौन सा बात जाल चल सकता है। तो आज मैं वीडियो बेसिकली उसके ऊपर ही बनाऊंगा कि जाल का सही चुनाव कैसे करना है, ठीक है, कौन सा जाल किस फसल पर होगा, तो उसके बारे में आपको मैं ये सारा इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाही, सरसों जिसको हम बोल देते हैं, लाही बोल देते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग सब इसको बोल देते हैं, ठीक है। मस्टर्ड भी बोल देते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो इस पे कैसा जाल, कौन सा जाल होना चाहिए? बेसिकली क्या होता है कि जैसे सपोज करो जो अपने जो ये सरसों है, अगर तो वो सेंटर से कटती है, तो सेंटर से कटती है तो उसके लिए बेसिकली जो जाल है वो 2.25 का भी चलता है, ठीक है, और 2 सूत का चलता है, 2.25 और 2 सूत का। अगर वो मतलब जो जड़ से कटती है तो उसमें 2.5 का जाल चलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा अगर जड़ से कटने से उसमें अंदर रहता है, ठीक है, तो वो उसमें 2.5 का जाल चलता है। तो डिपेंड करता है कि जो आपकी सरसों है वो कहाँ से है, कट रही है सेंटर से या उस वो कट रही है जड़ से। तो इसमें 2.25 का भी चलता है, ठीक है, 2 सूत का भी चलता है और 2.5 सूत का चलता है। तो सरसों लाही के लिए ये जाल रहता है। इसके बाद आ जाते हैं जैसे मसूर है, मसूर के लिए भी जो जाल है वो उसमें से सरसों वाले जाल में से निकल जाएगा मसूर में, ठीक है। जो मैंने आपको बताया 2 सूत का है, जैसे 2.25 का है मसूर, उसमें से निकल जाएगा, मसूर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जैसे गेहूं है, गेहूं के लिए जाल जो है वो 3 का भी चलता है, 3.25 का भी चलता है और 3.5 का भी चलता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको जो कैसा भूस कैसा चाहिए, बारीक चाहिए मोटा चाहिए, तो उस हिसाब से जो उसका जाल है वो 3 का, 3.25 का, 3.5 का, ठीक है। अगर मोटा भूस चाहिए तो 3.5 का चल जाता है, थोड़ा बारीक 3.25 में, और अगर और चाहते हो तो 3 का। अगर ज़्यादा बारीक डालोगे फिर वो ट्रैक्टर पे बहुत ज़्यादा लोड आएगा, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन में जो जाल है वो 4 का भी चलता है, 4 सूत का, फिर 4.5 का भी है। जो अगर 4.5 का चलाना है तो थोड़ा गीला माल है उसके लिए चला सकते हैं, बेसिकली चलता 4 सूत का है, तो 4 सूत में हम सोयाबीन भी इसमें निकाल लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे हमारे वो उड़द है, उड़द बोल देते हैं, तो उड़द में जो जाल है वो आपका वो चलेगा 5 का, 5.5 का, 6 का। तो उड़द के लिए जैसे ज़्यादा गीला है तो वो उसका 6 सूत का चल जाएगा उसमें। अब जैसे तुअर है, ठीक है, तुअर हम निकालते हैं तो वो 3.5 में से वो निकल जाता है, कई बार वो 4 में से भी निकाल लेते हैं उसको, और वो गेहूं वाला जाल जो रहता है उसमें से तुअर भी निकाल लेते हैं ना, ठीक है। और जैसे अब चना है, चना बारीक चना जो रहता है हमारा देसी वाला लाल वाला, ठीक है, उसके लिए जो जाल रहता है वो 2.5 का भी रहता है, 3.25 का, तो 2.5 3 2.5 का ले लो या 3.25 का ले लो, उसमें से जो ये चना भी निकल जाएगा आपका बारीक वाला देसी चना जो रहता है। ये किसान भाइयों, क्या हाल चाल है? आशा करते हैं सब आप ठीक होंगे। तो बेसिकली आज मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ है कि मेरे पास काफ़ी मैसेज आए थे कि आप जाल के बारे में बताएं कि कौन सी फसल पे कौन सा बात जाल चल सकता है। तो आज मैं वीडियो बेसिकली उसके ऊपर ही बनाऊंगा कि जाल का सही चुनाव कैसे करना है, ठीक है, कौन सा जाल किस फसल पे होगा, तो उसके बारे में आपको मैं ये सारा इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाही, सरसों जिसको हम बोल देते हैं, लाही बोल देते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग सब इसको बोल देते हैं, ठीक है, मस्टर्ड भी बोल देते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो इस पे कैसा जाल, कौन सा जाल होना चाहिए? बेसिकली क्या होता है कि जैसे सपोज करो जो अपने जो ये सरसों है, अगर तो वो सेंटर से कटती है, तो सेंटर से कटती है तो उसके लिए बेसिकली जो जाल है वो 2.25 का भी चलता है, ठीक है, और 2 सूत का चलता है, 2.25 और 2 सूत का। अगर वो मतलब जो जड़ से कटती है तो उसमें 2.5 का जाल चलता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा अगर जड़ से कटने से उसमें अंदर रहता है, ठीक है, तो वो उसमें 2.5 का जाल चलता है। तो डिपेंड करता है कि जो आपकी सरसों है वो कहाँ से है, कट रही है सेंटर से या उस वो कट रही है जड़ से। तो इसमें 2.25 का भी चलता है, ठीक है, 2 सूत का भी चलता है और 2.5 सूत का चलता है। तो सरसों लाही के लिए
ये जाल रहता है। इसके बाद आ जाते हैं जैसे मसूर है, मसूर के लिए भी जो जाल है वो उसमें से सरसों वाले जाल में से निकल जाएगा मसूर में, ठीक है। जो मैंने आपको बताया 2 सूत का है, जैसे 2.25 का है मसूर, उसमें से निकल जाएगा, मसूर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जैसे गेहूँ है, गेहूँ के लिए जाल जो है वो 3 का भी चलता है, 3.25 का भी चलता है और 3.5 का भी चलता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आपको जो कैसा भूस कैसा चाहिए, बारीक चाहिए मोटा चाहिए, तो उसी हिसाब से जो उसका जाल है वो 3 का 3.25 का 3.5 का, ठीक है। अगर मोटा भूस चाहिए तो 3.5 का चल जाता है, थोड़ा बारीक 3.25 में, और अगर और चाहते हो तो 3 का। अगर ज़्यादा बारीक डालोगे फिर वो ट्रैक्टर पर बहुत ज़्यादा लोड आएगा, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद हम आ जाते हैं जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन में जो जाल है वो 4 का भी चलता है, 4 सूत का, फिर 4.5 का भी है। जो अगर 4.5 का चलाना है तो थोड़ा गीला माल है उसके लिए चला सकते हैं, बेसिकली चलता 4 सूत का है, तो 4 सूत में हम सोयाबीन भी इसमें निकाल लेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे हमारे वो उड़द है, उड़द बोल देते हैं, तो उड़द में जो जाल है वो आपका वो चलेगा 5 का 5.5 का 6 का, तो उड़द के लिए जैसे ज़्यादा गीला है तो वो उसका 6 सूत का चल जाएगा उसमें। अब जैसे तुअर है, ठीक है, तुअर हम निकालते हैं तो वो 3.5 में से वो निकल जाता है, कई बार वो 4 में से भी निकाल लेते हैं उसको, और वो गेहूं वाला जाल जो रहता है उसमें से तुअर भी निकाल लेते हैं ना, ठीक है। और जैसे अब चना है, चना बारीक चना जो रहता है हमारा देसी वाला लाल वाला, ठीक है, उसके लिए जो जाल रहता है वो 2.5 का भी रहता है, 3.25 का, तो 2.5 का ले लो या 3.25 का ले लो, उसमें से जो ये चना भी निकल जाएगा आपका बारीक वाला देसी चना जो रहता है।